Hello friends, Namaskar, Sasikal, I'm your astrologer friend Amit Kapoor. Today I'm presenting you weekly forecast, week from 9th of July 2018 to 15th of July 2018. Guys, my all predictions are based on your ascendant sign, not for your moon sign and not for your zodiac sign. Let's start for the Taurus Ascendant. For Taurus Ascendant, from 9th July 2018 to 15th July 2018, guys, Jupiter started a direct motion from 10th of July. Saturn is retrograde in your 8th house. Your ruling planet Venus is transiting in your 4th house in Leo sign. Guys, overall, this is a positive week for you. आपके लिए इस वीक में आप कुछ व्हीकल सेल परचेस कर सकते हो, अपना पुराना व्हीकल सेल करके कोई नया खरीद सकते हो. फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी चलेगी, फैमिली की फुल सपोर्ट आपको रहेगी. जुपिटर का आपके सिक्स हाउस में डायरेक्ट होना, अब डेब्ट से मुक्ति आपको मिलेगी. अगर आपके ऊपर पिछले कुछ समय से कुछ कर्जा चल रहा है, डेब्ट चल रहे हैं, तो जुपिटर का डायरेक्ट मोशन 10 जुलाई के बाद आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपको डेब्ट से छुटकारा मिलेगा, आपके प्रॉस्पेरिटी और फेम में राइज होगा, आपकी चीज़ें स्ट्रीमलाइन धीरे धीरे बननी शुरू होंगी. लेकिन सैटर्न का रेट्रोग्रेड मोशन आपके एट्थ हाउस में, बींग अ लॉर्ड ऑफ यूर नाइन्थ एंड टेंथ हाउस, सैटर्न इज रेट्रोग्रेड इन यूर एट्थ हाउस, इट इज़ नॉट वेरी वेल. गाइज, आपके लिए, आपके असेंडेंस के लिए सैटर्न का एट्थ हाउस में रेट्रोगेट होना, आपकी चीज़ों को डिले करना, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड रहना, किसी भी चीज़ को लेकर सॉलिड डिसीजन ना ले पाना. जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए स्ट्रगल सम पीरियड. वीजे के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं पर वीज़ा नहीं मिल रहा. ग्रीन कार्ड के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि सैटर्न का एट्थ हाउस में मूवमेंट टॉरस असेंडेंस के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. 12 अक्टूबर के बाद जैसे ही जुपिटर आपके सेवंथ हाउस में ट्रांजिट करना शुरू करेगा तो आपके लिए एक नई जिंदगी का आगाज होगा. गाइज, ओवरऑल अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक में नो डाउट आपके लिए स्ट्रगल है. अब ऐसी कौन सी रेमेडी की जाए जिससे आपकी स्ट्रगल कम हो. 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे वाले दिन. जुलाई के हर सैटरडे को आपने 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाना है. चांदी का चौरस टुकड़ा अपने गले में डालें, चांदी की चैन अपने गले में डालें, शिव जी की आराधना करें. जितना ज़्यादा वर्शिप करेंगे लॉर्ड शिवा की, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप उनसे लेंगे और आपकी स्ट्रगल कम होगी और आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी. इस मंथ में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा संभल के इन्वेस्टमेंट्स करें. बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की गई इस समय में आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये पीरियड आपके लिए ज़्यादा रिवार्डिंग नहीं है. किसी तरीके 12th ऑफ अक्टूबर तक अपने प्लान्स को अपने अंदर दबा के रखें. इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल ना सोचें, बिकॉज सैटर्न का 8th हाउस में रेट्रोग्रेड होना, जुपिटर का डायरेक्ट होना 6th हाउस में फाइनेंशियल टाई अप्स और न्यू अर्निंग के लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है. सो गाइज, ओवरऑल ये एक एवरेज वीक है आपके लिए. लॉर्ड शिवा की वर्शिप करना आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्शिप है आपके लिए. जितना ज़्यादा आप लॉर्ड शिवा की वर्शिप करेंगे, गुड फॉर्चून उतना ज़्यादा आपके लिए स्माइल करेगा. नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrologer.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. जय हिंद.